हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग इतिहास के बारे में अध्ययन कर रहे थे और इतिहास को हम शुरू से लेकर के आपके सामने प्रस्तुत कर रहे थे। उसमें से दो तीन वीडियोज हमने पहले इसको अपलोड कर दिया है और इस वीडियोज़ में आपकी व्यूज़ अच्छे खासे आए। यदि इतिहास के वीडियोज़ को आप डिटेलिंग करना चाहते हैं और नंबर एक चैप्टर से लेकर के चलना चाहते हैं ऐतिहासिक दुनिया से, तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर के उन वीडियोज़ को निकाल करके देख सकते हैं और उसके एडवांटेज पा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आइए बात कर लेते हैं आज कि इतिहास जो हम लोग पहले पढ़े हुए थे कि इतिहास के कालों को तीन भागों में बांटा गया है। उसमें से पहला जो काल था उसका नाम प्राक ऐतिहासिक काल था, जिसे हम और आप पाषाण काल अर्थात पत्थरों की काल के नाम से जानते हैं। उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर लिए थे क्योंकि इसके कई पार्ट्स बनाए गए थे। मुख्य रूप से चार पार्ट्स ऐसे कहे जाते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उसके बाद अंतिम नंबर आपके सामने ताम्र पाषाण काल था। किस काल में आग का आविष्कार हुआ, कैसे पहिया का आविष्कार हुआ, कैसे मनुष्य को यानी कि शव को जलाने की प्रक्रियाएं शुरू हुई, इन सभी के बारे में इसमें पहले बताया गया है। अभी फिलहाल हमारे पास है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में भी हमने आपको पढ़ा दिया था कि आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और कांसा सभ्यता, ये क्या है इनके बारे में डिटेलिंग पहले किया जा चुका है। दोस्तों, अभी फिलहाल जो है कुछ दिन पहले हमने सिंधु सभ्यता को डिटेलिंग करके पढ़ाया था, लेकिन सिंधु सभ्यता के कुछ पार्ट्स बाकी रह गए थे और वो पार्ट्स था सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। हम सभी चीज़ों को एक एक करके डिटेल करने की प्रयास पूर्ण रूप से कर रहे हैं। इसके बाद जैसे ही सिंधु सभ्यता की विशेषताएं खत्म हो जाएगी, हम विश्व के कुछ महत्वपूर्ण सभ्यताओं के बारे में अध्ययन कर लेंगे, जैसे आपके सामने मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इन सारी चीज़ों की, फारस की सभ्यता, इन सारी चीज़ों को हम लोग आगे की तरफ देखेंगे। फिलहाल में क्या होगा, हम देखेंगे सिंधु सभ्यता की विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंधु सभ्यता की अपनी विशेषताएं क्या थी। आप सभी जानते हो कि दुनिया की सबसे जो बेहतर और सबसे पहली अगर कोई शहरी सभ्यता था तो उसका नाम क्या था, हड़प्पा सभ्यता। उन्हीं में से हम कुछ बिंदुओं को, महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं, उसको हमने प्रस्तुत किया है। सबसे पहले कि सिंधु सभ्यता नगरीय या शहरी सभ्यता थी। पहली बात यह क्लियर हो जाती है कि पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी वह सभ्यता है जो शहरी या फिर क्या नगरीय सभ्यता थी। उसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, यह पहली विशेषता थी सिंधु सभ्यता की। दूसरे नंबर, यहां की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को यानी कि समकोण पर काटती थी। और दोस्तों ये बात याद रखिएगा, सिंधु सभ्यताएं की जो सड़क थी वो पूरब से पश्चिम की तरफ थी। यानी कि जब पूरब से पश्चिम का मतलब हुआ कि जब पूर्वी मुख्य रूप से हमारे पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम की तरफ और पश्चिम से पूरब की तरफ हवाएं चलती हैं, इसलिए पूरब से पश्चिम की तरफ इसको बनाई गई थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा करने से यूं होता था कि जो हवाएं जो चलती थी, या तो पूर्वी जो व्यार कहते हैं या पूर्वी हवा कहते हैं या पश्चिमी हवा कहते हैं, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ चलती थी या पश्चिम से चलती थी, पूरब से चलती थी, तो जितने भी कूड़े करकट रहा करते थे, जितने भी धूलकण रहते थे सड़क पर, वो सभी के सभी ऑटोमेटिक साफ हुआ करते थे। यही कारण है कि सिंधु सभ्यता की जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती है। तो पहला नंबर था कि सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। दूसरा नंबर है कि यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है। तीसरा नंबर है कि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। दोस्तों यूं अगर कहा जाए कि सिंधु सभ्यता किस प्रकार की व्यवस्था थी, तो नगरीय सभ्यता थी या नगरीय व्यवस्था थी, वहां पर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नगरीय व्यवस्था होने का मुख्य कारण यही था कि सिंधु सभ्यता जो थी उसकी मुख्य आधार तो कृषि था, लेकिन सिंधु सभ्यता नगरीय इसलिए थी क्योंकि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से पूरी दुनिया में यानी कि विदेशों में भी इससे व्यापार किए जाते थे। इस कारण से यह एक नगरीय सभ्यता थी और नगर की तरह जो वर्तमान में हमारी परिस्थितियां होती हैं उस प्रकार से लोग वहां पर जीवन यापन किया करते थे। इस प्रकार से वो नगरीय सभ्यता थी, लेकिन उनके जीविकोपार्जन का या फिर यूं कहा जाए उनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, तो सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य जो आधार था वो मेरे प्रिय दोस्तों वो कृषि था। तो याद रखेंगे, अगला है सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी, भावचित्रात्मक। लिपि का मतलब होता है लिपना, लिपना अर्थात मतलब लिखना। याद रखेंगे, उस पर कोई भी चीजें जो भावचित्रात्मक थी यानी कि भावों को प्रदर्शित किया गया था, किसी चीज को बताने के लिए लिखा नहीं गया था, बल्कि वो कैसा होता है उसी का चित्रण कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी चीजें हैं जो कुछ भी उस पर लिखा गया है,
चित्रों को तो पहचाना जा सकता है, लेकिन जो चीज उस पर लिखे गए हैं वो आज तक नहीं पढ़ी गई है। तो अगली बात होगी कि सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी और उसको आज तक पढ़ा नहीं गया है, ये बात कंप्लीट हो जाती है। माप तौल के लिए न्यूनतम 16 केजी के बाट का प्रयोग किया जाता था, यानी कि इंपॉर्टेंट है कि माप तौल के लिए सिंधु सभ्यता के लोग क्या प्रयोग करते थे, तो जी हाँ वो लोग बाट का प्रयोग करते थे, और बाट में जो सबसे छोटी बाट थी वो उसका द्रव्यमान जो था वह कुल 16 केजी का द्रव्यमान था। तो याद रखेंगे माप तौल के लिए न्यूनतम 16 केजी के बाट का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध एवं तलवार से अपरिचित थे, याद रखेंगे सिंधु सभ्यता के लोगों को पता ही नहीं था, वे जानते ही नहीं थे कि युद्ध क्या होता है। देखिए कितने खूबसूरत लोग हैं वहाँ जिनको ये बात पता नहीं है कि युद्ध क्या होता है, तलवार किसे कहते हैं, तलवार से क्या काम ली जाएगी, इस प्रकार की उनके पास व्यवस्थाएं नहीं थी। कितना सुकून भरी जिंदगी जीते होंगे वे, समझ सकते हैं आप, युद्ध और तलवार से जो अनभिज्ञ हो आप जरा सोचें कि वो कितने बेहतर और कितने खुशहाल जीवन जी रहा होगा हम लोग की तुलना में। हमारी दुनिया और जो वर्तमान की दुनिया है वह पूर्ण रूप से एक दूसरे को पीछा करने पर तुली हुई है, और तुली हुई है किस प्रकार से हम नीतियां अपना कर अपने साम्राज्यवाद को बढ़ाएं। हालांकि यह कहा जाता है कि साम्राज्यवाद अभी है नहीं, लेकिन इसका आंतरिक व्यवस्था हमेशा आपको देखने को मिली रहती है कुछ बड़े कंट्रीज में। अगला है कि लोहा के बारे में जानकारी नहीं थी। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अनभिज्ञ थे, तो याद रखिएगा सिंधु सभ्यता के लोग लोहा धातु से अनभिज्ञ थे, लेकिन उनको कांसे के बारे में जानकारी थी, इसलिए इसको कांस्य सभ्यता भी के नाम से भी जानते हैं। अगला है कि सिंधु सभ्यता आखिर दुनिया से विलुप्त क्यों हो गई। तो आप समझेंगे किसी भी सभ्यता को या किसी भी चीज का विलुप्त होने के पीछे कारण प्राकृतिक ही होता है, जिसको हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं, और उसी प्राकृतिक आपदा में से एक आपदा थी जिसको बाढ़ कहते हैं, और यही बाढ़ जो है मुख्य कारण रही है सिंधु सभ्यता के खत्म हो जाने का, इसका पतन हो जाने के लिए पीछे यही कारण है। तो दोस्तों आज हमने देखा कि सिंधु सभ्यता की विशेषताएं क्या थी, क्योंकि सिंधु सभ्यता के बारे में हमने पूरी डिटेलिंग दे दिया था, विशेषताएं कुछ छूटी हुई थी उसको मैंने बताया, यह नगरीय सभ्यता थी, यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था, मातृसत्तात्मक थी, यहाँ पर माता को सबसे ज्यादा यानी कि स्त्री को सबसे ज्यादा महत्ता दी जाती थी, मातृसत्तात्मक थी, व्यापार विदेशों तक होता था, इस कारण से इसको नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता के लिए भावचित्रात्मक होती है, भावों को प्रदर्शित किया गया था और कुछ नहीं है, पढ़ा नहीं जा सका। माप तौल के लिए न्यूनतम 16 केजी का वाट का प्रयोग करते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध और तलवार को नहीं जानते थे, लोहा के बारे में जानकारी नहीं थी, और पतन का मुख्य कारण जो था वह बाढ़ था। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही सा, अगले वीडियो के साथ जल्दी हम उपस्थित होते हैं विश्व के कुछ चुनिंदे सभ्यताओं के लिए जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।